पार्ट 12 में हम देख चुके हैं रियोन को पता चल जाता है कि उसका फियांसे धोखेबाज है, तो वो दानदान को उसे शादी से भगाने को कहती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 13 से पहले पार्ट 12 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 13 में हम देखते हैं दानदान रियोन को भगाने लगती है। इधर ग्रूम वेडिंग हॉल में आ गया था, पर पता चलता है कि ब्राइड भाग गई। सब रियोन को ढूंढने लगते हैं। दानदान रियोन को अपने साथ वॉशरूम में छुपा लेती है। मिस वैंग देखने आती है, पर दानदान कहती है कि इसमें तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो मिस वैंग चली जाती है। रियोन रो रही थी तो दानदान उसे बाहर लेके आती है, तो रियोन उसको थैंक यू करती है कि तुम किसी से कुछ मत बताना, मैं सब संभाल लूंगी, और चली जाती है। दानदान कहती है क्या मुझे मिस्टर ली और मिस वैंग से बात छुपानी पड़ेगी। मिस वैंग भाग के मिस्टर पार्क के घर आती है और कहती है बताओ तुमने मेरी बेटी कहाँ छुपा रखी है, और तलाशी लेने लगी थी। फिर वो दीपम को मारने लगती है कि मेरी बेटी वापस कर, वो अपनी शादी से कैसे भाग गई, जरूर तूने कुछ किया है। मॉम देवम को बचाती हैं, तभी मिस्टर ले भी बीच में आ जाता है, पर मिस वैंग अभी भी चिल्ला रही थी, तो दानदान कहती है मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया, मैंने रियोन के भागने में हेल्प की, क्योंकि फियांसे की गर्लफ्रेंड उससे प्रेग्नेंट थी, उसने रियोन से शादी तोड़ने को कहा था। मिस वैंग कहती है नहीं तू झूठ बोल रही है, ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। मिस्टर ले फियांसे को जाकर मारता है, तो वो माफी मांगता है कि मुझे रियोन की मॉम ने शादी करने के लिए रियोन के शेयर्स का लालच दिया था, बट वो उसे भुड़का के चला जाता है। मिस वैंग कहती है फियांसे ऐसा नहीं कर सकता है ना, वो कहता है तुम अपनी बेटी को किसी जर्क से शादी कैसे करा सकती हो, क्या तुम्हें शेयर्स रियोन की खुशी से भी ज्यादा प्यारे हैं। मिस वैंग कहती है हाँ, क्योंकि मैंने तेरे बाप की 20 साल सेवा की, पर बदले में मुझे चमन्नी भी नहीं मिली। मिस्टर ली कहता है अभी निकलो मेरे घर से बाहर, तो कहती है मैं मर जाऊंगी पर घर से बाहर नहीं जाऊंगी। वो उसे खींच के ले जाने लगता है तो चिल्ला पड़ती है, मिस्टर ली छोड़ के चला जाता है। उसे रियोन का फोन आता है तो कहता है टेंशन मत ले, रियोन तेरा भाई तेरे साथ है। रियोन कहती है मुझे पता था मैं फियांसे से लव नहीं करती, पर फिर भी शादी कर रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा जर्क निकलेगा। वो कहता है तुमने इतना स्टूपिड फैसला क्यों लिया। वो बताती है कि ताकि मॉम की शेयर्स मिलने की विश पूरी कर सकूं। तुम तो मेरी मॉम से नफरत करते हो, पर वो है तो मेरी मॉम ना, प्लीज उन्हें घर से बाहर मत फेंकना। मिस्टर ली मान जाता है। रियोन कहती है मैं कुछ टाइम के लिए फौरन जा रही हूँ, तो ये दानदान को दे देना, उसी ने मेरी हेल्प की थी। देवम रियोन को फोन करता है तो उसे वॉइस नोट भेजता है कि तुम ठीक तो हो ना, और रोने लगा था। इधर रियोन भी रो रही थी। मिस्टर ली दानदान से पूछता है तुम रो तो नहीं रही थी। वो कहती है नहीं, मैं कौन सा क्राई बेबी हूँ। वो कहता है मुझे तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो, और उसे हग कर लेता है। मेरी बहन की हेल्प करने के लिए थैंक यू, पता है तुम मुझे ताकत देती हो। तो दानदान खुश होती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मॉर्निंग में मिस्टर ली पहाड़ों पे हाइकिंग करने आता है। इनफैक्ट वो अपनी एक्स वाइफ को दानदान के बारे में बताने आया था। जब वो दानदान के हैंकी से मुंह साफ कर रहा था तो हैंकी हवा से उड़ जाता है। वो हैंकी पकड़ने लगा था तो पहाड़ों पे से भुड़क जाता है, और उसके सिर पे चोट लग के उसकी आंखें बंद हो गई थी। दानदान को रात में डरावना सपना आता है। उसे मिस्टर ली की टेंशन होती है तो उसे फोन करती है, बट मिस्टर ली फोन नहीं उठा पाता। रियोन अपनी मॉम को फोन पे बताती है कि मैं मूड फ्रेश करने के लिए फौरन जा रही हूँ, मैंने ब्रदर से बात कर ली, वो तुम्हें बाहर नहीं फेंकेगा। मिस वैंग कहती है तू टेंशन मत लेना, तूने उस जर्क से शादी तोड़ के बिल्कुल सही फैसला किया। और फियांसे की मॉम से उसे माफी मांगने कहती है, पर वो उल्टा उन्हें मिस्ट्रेस बोल देती है, तो उनमें लड़ाई होने लगती है। बेचारी मिसू पहले तो रुकवाती है बट फिर चुप बैठ जाती है। इधर दानदान मिस्टर ली का डेट के लिए वेट कर रही थी, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लॉयर एना को बताता है कि मिस्टर ली का फोन सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है, क्या वो हाइकिंग से अभी तक वापस नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। पर मिस वैंग कहती है जरूर उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। दानदान को मिस्टर ली की टेंशन हो रही थी तो भाग के घर आती है। लॉयर बताता है कि मिस्टर ली पहाड़ों के जंगलों में खो गया, तो सब परेशान होते हैं। मिस्टर ली होश में आके कहता है ठंड लग रही है और भूख भी, मैं ये कहाँ हूँ, और अपना ब्लड देख हैरान, पर डर के मारे मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ भाग पड़ता है। एक ओल्ड लेडी उसे देख डर जाती है,
बट वो कहता है मुझे भूख लगी है, और फिर ऐसे खाने लगता है जैसे सदियों से भूखा हो। बट उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। ओल्ड लेडी उसे पुलिस स्टेशन ले जाने को कहती है। वो कहता है जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे यहीं रहने दो, बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। नानन कहती है मिस्टर डे को कुछ नहीं हो सकता, जरूर उसका फोन खराब हो गया होगा। पर रोती है। रेस्क्यू टीम जंगलों में मिस्टर ली को ढूंढने आती है, पर उन्हें उसका बैकपैक मिलता है क्योंकि मिस्टर ली तो यहाँ काउस का गोबर समेट रहा था, तभी फिसल के गिर जाता है। तो भाग के आता है। हाँ मुझे याद आ गया, मेरा नाम ली है। तो वो बड़ा खुश होता है। हम नोटिस करते हैं कि वो मिस्टर ली जैसी तो बिल्कुल हरकतें नहीं कर रहा। मिस वेंग कहती है हमें इस टाइम कंपनी को संभालना होगा, क्यों ना रियोन को वापस बुला ले कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए। एना कहती है तुम्हारा दिमाग हिल गया है, मिस्टर ली को कुछ नहीं हुआ, वो वापस आने वाला होगा। मिस वेंग कहती है तू कौन होती है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली, तू बस एक स्ट्रेंजर है। इधर सारा दिन रात ड्रिंक करती रहती है कि मुझे बस सियोजंग मिल जाए। मॉम कहती है सियोजंग को वापस लाना बिल्कुल सही नहीं है, वो उसी घर में ज्यादा खुश रहेगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, अभी भी टाइम है, तू अपनी लाइफ रिस्टार्ट कर सकती है। पर सारा सियोन को लेने भागती है। दानदान सियोजंग को स्कूल से लेके आ रही थी तो वो पूछता है आपको क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करूं। वो मना करती है तो कहता है डैडी अभी तक बिजनेस ट्रिप से वापस क्यों नहीं आए, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। जरूर वो बिजी हो गए, तुम गेम खेलोगे। तो सियोजंग खुश होके हाँ कहता है। सारा जाने वाली थी पर मोम उसे पकड़ के रोकती है तो दोनों रोने लगती है। मिस्टर डी बस में बैठा हैरानी से लोगों के फोन में झांक रहा था तो गर्ल्स उसे जग समझ के उतर जाती हैं। मिस्टर डी मजे से घर आ रहा था, ये क्या मेरे घर का गेट नया कैसे हो गया, घर तो मेरा ही है। तो बेल बजाता है, मेड हैरान बॉस, तो कहता है बॉस नहीं मैं। सब खुश होकर उसकी तरफ भागते हैं तो सीचन और सियोचंग डैडी डैडी बोल के उसे हक कर लेते हैं। वो हैरानी से उन्हें दूर करता है, तुम कौन हो बच्चों और डैडी किसे बोल रहे हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। सब हैरान। लोअर कहता है मिस्टर ली तू ये क्या बोल रहा है। वो कहता है मिस्टर ली अरे मैं ली हूँ अभी फ्रेंड, तू तो बुढ़ा सा लग रहा है। मिस वेंग कहती है क्या तेरे सिर में चोट लगी थी। मिस्टर ली कहता है ये बुढ़िया हमारे घर में क्या कर रही है, किसने इसे अंदर आने दिया, तेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई। डैड क्या तुम्हें से लेके आए और अंदर जाने लगा था। सीजन और सीजोंग रोने लगते हैं क्योंकि डैड उसे पहचान भी नहीं रहे तो दानदान उन्हें छुपाती है। मिस्टर ली अपने डैड को ढूंढ रहा था तो लॉयर बताता है कि अब ये तेरा ऑफिस है, पर बता सकता है तेरी एज कितनी है। वो कहता है अरे हम दोनों 22 साल के हैं। लॉयर बताता है कि तू अपनी याददाश्त भूल गया, तेरी शादी होकर बच्चे भी हैं और तेरी एक्स वाइफ की 2 साल पहले डेथ हो गई। मिस्टर ली यकीन नहीं करता, मुझे पहले डैड से बात करनी है। तो लॉयर कहता है तेरे डैड की भी डेथ हो चुकी है। तो वो रोने लगता है और कहता है ये पेड़ भी बड़ा हो गया जो मैं और डैड ने लगाया था। तभी दानदान आकर कहती है मिस्टर ली क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, क्या तुम इस पेड़ पे हैंकी बांधने आए हो। वो कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो क्या बार बार पूछी जा रही हो, और गुस्से से चला जाता है। दानदान कहती है रो मत, मिस्टर ली को अभी कुछ याद नहीं है ना, वरना तो वो जेंटलमैन है। जूनो नूडल्स खरीदने आया था तो मेरी उसे मिल्क और सैलड भी दे देती है, कुछ हेल्दी खाया करो। वो पूछता है तुम साथ चलोगी, और फिर मेरी उसके साथ डिनर करने आ जाती है। वो उसके फैमिली के बारे में पूछता है तो बताती है कि मैं अपनी ग्रैंडमा और आंटी अंकल के साथ रहती हूँ, मॉम डैड की बचपन में डेथ हो गई। वो कहता है सॉरी, पता है मैं बिना रुके नूडल्स खा सकता हूँ, और खा के दिखाता है तो वो रिकॉर्ड करती है और फिर बाद में हंसती है। तो ग्रैंडमा उसे स्वीट डिश लाकर खिलाती है। रियोन दीपम को मैसेज करती है मैं अभी फॉरेन में हूँ और ठीक हूँ, तो मेरी टेंशन मत लेना। टेली सारा फिर से मामा को देख लेती है तो उसे मिस्टर टेडी बेयर बोलती है क्योंकि वो क्यूट एंड स्वीट है, और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। वो उसे ले जाने लगा था तो उसी पे गिर जाती है और कहती है प्लीज आज रात मेरे साथ रुक जाओ। इधर मिस वैंग कहती है अब वो 22 साल का बन गया है, तब तो वो मुझसे बहुत नफरत करता था, तो मेरा क्या होगा। मिस्टर डी आकर कहता है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मेरे वापस आने तक घर से चुपचाप निकल जाना। तो मिस वैंग फ्यूचर बताने वाले से पूछती है मेरी बेटी की याददाश्त वापस कब आएगी। वो कहती है झूठ मत बोल, तेरा कोई बेटा ही नहीं है, अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। तूने किसी का पति छीना था ना, उसका दिल तोड़ा था, तो बेटे की चिंता छोड़ के अपनी चिंता कर।
मिस वैंग गुस्से से भाग लेती है। इधर सारा की मॉम मिस वैंग के रूम में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मेड बताती है कि मिस वैंग घर पे नहीं है, तो वो तिजोरी का पासवर्ड खोलने की कोशिश करती है और बहुत इजी पासवर्ड था 369, तो खुल जाता है। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और सारा सोना पैसे सब कुछ भर के ले जाती है। कहीं कैमरा ना लगा हो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है और घर आके खुश होती है कि ये क्या डायमंड रिंग इतनी बड़ी, कहीं ये नकली तो नहीं। नहीं मिस वैंग नकली डायमंड रिंग तो तिजोरी में नहीं रखेगी। मीसू से आवाज मारती है तो जल्दी जल्दी सब छुपाने लगती है। इधर ये तीनों रो रहे थे। दानदन बताती है कि मिस्टर ले की याददाश्त थोड़े टाइम के लिए गई है इसलिए उसे अभी तुम बच्चों के बारे में याद नहीं है, पर वो तुम्हें बहुत लव करता है तो जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। हम सब मिलके मिस्टर ली की याददाश्त वापस लाने में हेल्प करेंगे, तो वो सब हाथ मिला लेते हैं। तभी मिस्टर ली आता है। बच्चों तुम्हें पता है ना मेरी याददाश्त चली गई, पर मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो हम सब दोस्ती कर लें और कोई गेम खेलें। वो बच्चों के साथ 369 गेम खेल रहा था जिसमें 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करनी है, पर अगर बीच में 3, 6 या 9 बोला तो पिटना पड़ेगा। मिस वैंग कहती है, अरे आज तो सब लोग कितना खुश हैं। मिस्टर ली उसे देख कहता है, बच्चों मुझे बड़ों से बात करनी है, तो तुम सब मिस दानदन के साथ जाओ। मिस वैंग कहती है, अरे अरे खेलना क्यों रोक दिया। मिस्टर ली कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, इस घर से अभी तक निकली क्यों नहीं हो। मिस वैंग कहती है, अरे हमें बात करके मसला सुलझा लेना चाहिए। तो कहता है, मुझे पता था तुम वैसी बहाना मारोगी इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारा बैग पैक कर दिया, तो लेकर निकलो यहाँ से। वो कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो घर भी नहीं है, यही मेरा घर है। वो कहता है, क्या कहा तूने, बुढ़िया पगला गई है क्या, अभी निकल यहाँ से। तो मिस वैंग डर के मारे भागती है, यहाँ टॉर्चर होने से अच्छा है मैं चुपचाप निकल जाऊं। मेरे बेबीज कहाँ है, अरे मेरे गोल्ड पैसे और रिंग कहाँ गई। और उसे याद आता है कि मिस्टर ली बाहर बच्चों के साथ 369 बोल रहा था, जरूर उस मिस्टर ली ने चुरा लिया होगा, अभी उसकी खैर नहीं। तो गुस्से से भाग के आती है पर कहती है, पहले मेरा सामान वापस कर जो तूने मेरी तिजोरी से लिया है। वो कहता है, क्या पकड़ी हो, मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो मिस वैंग घर से जाने से मना करके गेट बंद कर लेती है। मिस्टर ली कहता है, बुढ़िया गेट खोल। सब बच्चे आवाज सुन बाहर आ जाते हैं तो उन्हें वापस रूम में जाने को कहते हैं। मेड कहती है, बच्चे डर जाएंगे, तुम अपने रूम में जाओ, मैं मिस वैंग से बात करती हूँ। मिस वैंग रो रही थी, मैं क्या करूँ, पर अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इधर सारा की मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी कीमती चीजों का क्या करेगी, कहीं सीसीटीवी ने देख लिया तो वो मिस वैंग मुझे पुलिस से को पकड़वा देगी, मैं इसे कहाँ छुपाऊं। डोरबेल बजते ही कहती है, मिस वैंग जरूर से पता चल गया होगा कि मैंने चोरी की है। सारा गेट खोलने लगी थी, वो मना करती है पर सारा फिर भी खोल देती है। मिस वैंग भाग के यहाँ सारा का हाथ पकड़ लेती है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ तू ही मुझे बचा सकती है। सारा कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो। सारा की मॉम डर रही थी पर मिस वैंग कहती है, मिस्टर ली की याददाश्त चली गई, वो 22 साल का बन गया है और मुझे घर से बाहर फेंक रहा है, उसने मेरी तिजोरी में से मेरा सारा कीमती सामान चुरा लिया, प्लीज मेरी हेल्प करो। सारा की मॉम सोचती है, ये क्या बोल रही है, उसका सामान तो मैंने चुराया है, ये मैं बच गई। सारा को यकीन नहीं आता। मिस वैंग कहती है, सच्ची मिस्टर ली तो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रहा, तो तू मेरी हेल्प करना, तुझे जो चाहिए मैं वो सब दूंगी। सारा कहती है, मुझे तो खुद उस घर से बाहर फेंक दिया तो मैं क्या हेल्प करूंगी। मिस वैंग कहती है, तू और मिस्टर ली एक दूसरे से लव करते हो और तुम दोनों की शादी होने वाली है, क्या तुझे कुछ याद नहीं है। सारा की मॉम उसे घर से बाहर निकालने लगी थी पर सारा कहती है, मिस वैंग बताओ मुझे क्या करना है। मिस वैंग कहती है, अब तू ही मेरे घर की बहू बनेगी, क्या तू मिस्टर ली से शादी करना चाहती है। सारा कहती है, ऑफ कोर्स। और इसी के साथ पार्ट 13 का एंड हो जाता है। तो क्या मिस वैंग सारा की मिस्टर ली से शादी करा पाएंगी, और क्या मिस्टर ली हमारी दानदन को और हमारे क्यूट से सीजों को भूल जाएगा, ये जानने के लिए आपको पार्ट 14 देखना होगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।